मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा चर्चित रहने वाले कंप्यूटर बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा ये बताइए कि संकल्प पत्र बीजेपी जारी कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये संकल्प पत्र यदि जारी कर रहे हैं तो इन्होंने 20 साल से 19 साल 18 साल जो इनको हो गए राज करते, और मुझे लगता है कि अब जनता को फिर मूर्ख बनाना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ जो है फिर झूठी घोषणाएँ कुछ कर दें, कुछ झूठी संकल्प पत्र में लिख दें जिससे जनता प्रभावित हो जाए। पर ये जनता सब समझ गई है, आपको 20 साल देख ली आप, तुम्हें एक क्षण भी एक बदलाव की जो लहर चल गई है, अब मुझे लगता है कि कमलनाथ ही को ही लोगों को पसंद कर रहे हो, कमलनाथ को ही वोट देंगे। विधानसभा चुनावों में राम मंदिर और सनातन के जो मुद्दे हैं उनको काफ़ी उठाया जा रहा है ज़ोर शोर से, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे लगता है इनके पास विकास का कोई काम बचा नहीं है। रहा साल राम मंदिर का तो हमारे संतों में बड़ी खुशी है, खुशी की एक लहर है कि हम राम मंदिर के लिए तो पूरी जनता जनार्दन सनातन सभी लोग खुश हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर आपने बनाया है ऐसा लोगों को बताएं, नहीं, ये आपने मध्य प्रदेश में क्या विकास किया है, आपने कुछ नहीं किया। आपसे जनता जनार्दन परेशान तो है ही है, पूरा संत समाज परेशान, मठ मंदिर के पुजारी परेशान, गऊ माता परेशान, माँ नर्मदा परेशान, सारे लोग आपसे आपकी सरकार से परेशान हैं। इसलिए अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, जनता को आप बेवकूफ़ ना समझें, ये जनता अब आपको वोट नहीं देगी, क्योंकि अब धर्म के कोई कार्य धार्मिक कार्य जो आप डिंडोरा पीटते हैं सनातन, अब चुनाव आता है आप सनातन का डिंडोरा पीटने लगते हैं और सनातन का काम आप बिल्कुल नहीं करते हैं, तो अच्छा है कि आप घर में बैठे 5 साल दूसरे को दें। लगातार आप बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि भाई हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। देखिएगा सत्य जो कड़वा होता है उनको लगता है कि इनकी बात करें, जो इनकी बात करता है वो इन अच्छा लगते हैं। नहीं, मैं आपसे आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी सड़क है जिस सड़क में जो है गऊ माता तड़प तड़प के मर ना रही हूँ, ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ गऊ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर ना हो। ये इनके राज में है, ये सनातन की बात करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता समाहित हैं हमारी गऊ माता में, पहली रोटी हम गऊ माता को देते हैं। और स्थिति ये है कि गऊ माता के हाल आज रोड में पड़ी हैं, तो बात सनातन की करते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने गऊ माता के लिए योजना क्यों नहीं लाई, आपने इतनी मतलब एक जूता चप्पल की योजना आ गई, इसके पहले मैंने कभी नहीं सुनी कोई इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का, इतनी छोटी योजना भी आप ले आए कि लोगों को जूता चप्पल नहीं है क्या, उनकी योजना ले आए आप छाता की योजना ले आए, आप डब्बा डब्बी की योजना ले आए, गऊ माता की नहीं लाए क्योंकि वोट नहीं देते। तो मुझे लगता है कि वोट नहीं देते इसीलिए लाए हैं, गऊ माता शराब जरूर देगी तुम्हें, तुम जीतोगे नहीं। तो इस बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसमें कहाँ देखते हैं आप किसकी जीत किसकी हार? देखिए मध्य प्रदेश में हम लोग जो पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, जो जनता का कहना है, जो जिस ढंग से के जो धर्म से चले और धर्म की बात कहे धर्म से चले, हम उसे वोट देंगे। और दूसरी बात यह है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना है, लेकिन लहर आ गई है, तो मुझे लगता है अब कांग्रेस ही जीतेगी क्योंकि आप कमलनाथ को देखना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कंप्यूटर बाबा, इनका साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस की लहर है और मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।